नमस्कार मित्रों, मैं अनिल शर्मा आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूं पीएम मोदी इस माह आने वाले हैं वाराणसी और कई सारे सौगात देंगे। इसी के तहत यहां पर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट यानी लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का शिलान्यास करेंगे जो कि 90 एकड़ में बनाया जाएगा। चलिए चलते आपको बैक कैमरा दिखाते हैं और पूरी जानकारी देते हैं, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और कैसा बनेगा टर्मिनल वो भी मैं आपको दिखाऊंगा फोटो जरिए, यानी कैसा बनेगा। और इसके लिए इस समय जो स्थिति है वो बिडिंग लेवल तक है, यानी 9 कंपनियां आई हैं इस नए टर्मिनल बनाने के लिए। देखिए किसको मिलता है ये बिड। और दोस्तों, लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का सन 2012 में प्रस्तावित विस्तारीकरण परियोजना थी, लेकिन 12 वर्ष के बाद इसे कंप्लीट किया जा रहा है। और इस विस्तारीकरण में 2500 मीटर के रनवे को 4075 मीटर तक विस्तार किया जाएगा और इसके लिए नए टर्मिनल का भी निर्माण कार्य होगा। जैसे यहाँ सुरक्षा के लिए टीन सेट लगा दिया ताकि लोग खड़े हो जो देखते थे नहीं देख पाए। और पहले चरण में होने वाला था विस्तारीकरण रनवे का, लेकिन उसे रोक कर सेकंड फेज का काम किया जा रहा है, यानी पहले टर्मिनल बनाया जा रहा है क्योंकि रनवे के लिए कम से कम 109 एकड़ जमीन की आवश्यकता होगी, जबकि पहले चरण में 90 एकड़ का जो काम वो हो रहा है। देखिए दोस्तों, यहाँ जो एक नाला बना है उसके ऊपर मैं यहाँ खड़ा दिखा रहा हूँ आपको ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। तो बता दूँ कि जो टर्मिनल बन रहा है दोस्तों वो श्री काशी विश्वनाथ धाम और BHU के सिंह द्वार की झलक इसमें देखने मिलेगी। और टर्मिनल भवन के अंदर चेक इन काउंटर पर गंगा में संचालित अलखनंदा क्रूज की झलक दिखाई गई। और टर्मिनल के अंदर काशी संस्कृति से जुड़ी कलाकृति बनाई जाएगी और बनने के साथ यहाँ एक समय में 5000 यात्रियों का आवागमन हो सकेगा। फिलहाल यह 800 यात्रियों की क्षमता है इस यहाँ पर। और 75,000 वर्ग मीटर में बनने वाले टर्मिनल पर 995 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। अभी टेंडर प्रक्रिया में 9 कंपनी सामने आई है। मैं जूम कर दिखा रहा हूँ रनवे, यहाँ का विजिबिलिटी कम है काफ़ी। देखें यहाँ पर ये रनवे की स्थिति है। और सेकंड फेज में दोस्तों ये रनवे को विस्तार करके इसी के ऊपर से ले जाया जाएगा। नीचे टनल रहेगा, गाड़ियों का आवागमन होगा और ऊपर से रनवे जाएगी, यानी गाड़ियाँ मतलब जहाज जाएंगे। फिलहाल देख सकते हैं यहाँ पे स्थिति क्या है इस समय। यह है वाराणसी लखनऊ हाईवे NH 31 जो कि 4 लेन है। लोग झाके ना चढ़ गए इसलिए देखिए पूरा बर्गेडिंग किया गया है यहाँ पर, देख रहे हैं यहाँ पे। दोस्तों देख सकते हैं यहाँ फ्लाईओवर बनाया गया है एयरपोर्ट के लिए ताकि जो भी गाड़ियाँ हैं ऊपर निकल जाए हाईवे के लिए और इधर से बाएं एयरपोर्ट के लिए। देख रहे हैं यहाँ पर G20 के लिए सजावट की गई थी। और दोस्तों बता दूँ क्योंकि वाराणसी एयरपोर्ट का नाम लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा वर्ष 2005 में रखा गया था और वर्ष 2010 में नया टर्मिनल बनाया गया था जिसकी क्षमता 800 यात्रियों की हो गई थी। और विमान यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए नया टर्मिनल बनाने की योजना बनी, काम भी शुरू हुआ, लेकिन जमीन न मिलने चलते और विवाह चलते आगे न बढ़ सका। फिलहाल देखिए ये रास्ता जाने के लिए एयरपोर्ट। और जैसा है दोस्तों जानते हैं, जब से काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर का निर्माण हुआ है तब से यहाँ पर पर्यटकों की संख्या लगातार कई गुना बढ़ी है। और ऐसे में प्रदेश सरकार ने हवाई अड्डे के विस्तार में भूमि अधिग्रहण को सहयोग की बात के लिए कही है और लगभग 550 करोड़ रुपए जारी करते हुए जमीन अधिग्रहण करने का निर्देश दिया। और जमीन अधिग्रहण के लिए लगभग 1015 करोड़ रुपए खर्च आया है और इसके बाद यहां पर रनवे के विस्तार के लिए पैसे खर्च किए जाएंगे। दोस्तों रनवे के विस्तार के साथ फ़ायदा क्या होगा बता दूं आपको कि यहाँ पर ILS CAT 3 प्रणाली का इंस्टॉलेशन होगा और नया एयरपोर्ट टर्मिनल जो बनेगा वो इसमें कार्गो टर्मिनल और विमान स्टैंड, नया रडार सहित कई कार्य होने हैं। ये चला था रास्ता दाहिने आपका मंगारी
रेलवे स्टेशन बात रेलवे स्टेशन का था जिसे एक नज़र में पूरी जानकारी दे रहा हूँ आपको मैं। लागत 995 करोड़ रुपये, 75,000 वर्ग मीटर निर्माण होगा, 8 एरो ब्रिज बनेंगे, 72 चेक इन काउंटर बनेंगे, सिक्योरिटी काउंटर 14 होंगे और निर्माण की अवधि 36 महीने होगी। और दोस्तों इस प्रोजेक्ट के लिए 9 कंपनियां आई थी। पहले देखिए नया बस स्टैंड जिसमें टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड, लार्सन एंड टुब्रो, अहलूवालिया कॉन्ट्रैक्ट्स लिमिटेड, कल्पतरु प्रोजेक्ट लिमिटेड, केपीसी प्रोजेक्ट लिमिटेड, एनसीसी लिमिटेड, पीएसपी प्रोजेक्ट, रेल विकास लिमिटेड और उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड। इनको क्या नहीं जरूरत था, इनका काम तो एकदम तेज होता है। बाकी ये छोटी सी दोस्तों जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और इस बार जब पीएम मोदी जी आएंगे तो इसी टर्मिनल जो बनने वाला है इसका शिलान्यास करेंगे। 36 महीने में आपको बन के तैयार देखने को मिलेगा। और जानते हैं पीएम मोदी जी इसका शिलान्यास करते हैं उसका लोकार्पण भी करते हैं जैसा कि अमूल प्लांट आप देख ही रहे हैं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, हर हर महादेव।